इनक्रेडिबल इंडिया के बाद रोड सेफ्टी कैंपेन से भी बाहर हुए आमिर खान। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इनटॉलरेंस पर दिए बयान के बाद आमिर को रोड सेफ्टी कैंपेन से भी बाहर कर दिया गया है। दिसंबर 2014 में उन्हें साइन किया गया था। कांग्रेस ने मनीष तिवारी से किया किनारा, वीके सिंह बोले पहले मेरी किताब पढ़ें। 2012 में फौज की टुकड़ी के दिल्ली कूच की खबर को सही बताने वाले मनमोहन सरकार में मंत्री रहे मनीष तिवारी अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस ने जहां इसका खंडन किया तो वहीं वीके सिंह ने भी निशाना साधा है। मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है, उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर होगी बात। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से बातचीत पर सख्त रुख अपना लिया है। खबर है कि विदेश सचिव स्तर की मीटिंग में जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों पर लगाम लगाने पर बात होगी। गुजरात में महिलाओं से छेड़खानी करते पुलिस वाले का वीडियो वायरल, जांच का आदेश। वीडियो में कल्चरल प्रोग्राम के दौरान एक पुलिस वाला लड़कियों से छेड़छाड़ करते दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अफसरों ने जांच के आदेश दिए हैं। दिलवाले की खराब परफॉर्मेंस को लेकर आपस में भिड़े शाहरुख खान और रोहित शेट्टी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी की टीम ने शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से कहा है कि शाहरुख ने इस फिल्म का प्रमोशन उतना नहीं किया जितना वो बाकी फिल्मों का करते हैं। करीब 100 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म के चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स को घाटा उठाना पड़ा है। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने मारी T20 की सेकेंड फास्टेस्ट 50। श्रीलंका के खिलाफ कॉलिन मुनरो ने अपनी इनिंग्स में एक चौका और 7 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड ने इस मैच को 10 ओवर में ही जीत लिया। इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।